हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। यदि मैं श्री राम का अनन्य सेवक हूं तो तुम्हें श्री राम की ही आन है कि अब मेघनाथ का मस्तक काट कर ही वापस आना। लक्ष्मण, यदि तुझे श्री राम की आन है तो इंद्रजीत को अपने देश की आन है। इंद्रजीत के जीते जी इस देश पर शत्रु की विजय पताका कभी नहीं फैला सकती, कभी नहीं। जो पिता से विमुख होकर जाते हैं भगवान भी उनका आदर नहीं करते। इस समय मेरा स्थान राजमहल में नहीं, केवल युद्ध भूमि में है। यदि राम मुझे तीनों लोकों का राज्य भी प्रदान कर दे तो भी मैं युद्ध से भागे हुए कायर की संज्ञा लेकर जीवित नहीं रहना चाहता, क्योंकि मेरी आत्मा ही मेरा सम्मान नहीं करेगी तो दूसरे क्या करेंगे। रावण के सामने आए हो तो शीश झुका कर आओ। तो इससे पहले यदि शीश झुका कर आ जाता तो कदापि तेरे बच जाने की संभावना हो सकती थी। मेरा नाम है रावण, तीनों लोग जिसका यशगान करते हैं। धर्म की मर्यादा भंग करने वाले पापी, तेरे समस्त पापों का दंड आज तुझे अवश्य मिलेगा। ॐ ह्रीं क्लीं निकुम्बलाय देव्याय नमः। सुमित्रानंदन, वो देखिए उस गुफा में हमारी निकुम्बला देवी का मंदिर है। उसी के द्वार पर मेघनाथ के वीर सैनिक पहरा दे रहे हैं। वो अंदर बैठा है, उसका रथ बाहर खड़ा है, वो होम कर रहा है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे ॐ ह्रां ह्रूं क्लीं ॐ सः ज्वालये ज्वालये ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे ज्वल हं सं लं चं फट् स्वाहा। अपने सैनिकों से कहो कि इन प्रहरियों पर टूट पड़े और शत्रु सेना का मोर्चा तोड़कर अंदर जाने का मार्ग बना ले। महाराज सुग्रीव, वो मार्ग खुलते ही आप अपने प्रमुख योद्धाओं के साथ अंदर चले जाएं और जिस प्रकार हो सके उसके यज्ञ का विध्वंस करके उसे अपनी तांत्रिक पूजा अधूरी छोड़ने पर विवश कर दें। फिर मेघनाथ बाहर आएगा और लक्ष्मण उसे युद्ध के लिए ललकारेंगे। शीघ्रता कीजिए महाराज सुग्रीव। जो आ गया। हर हर महादेव। राक्षस बानर भीतर हो रहे मंत्रोच्चार, भीतर हो रहे मंत्रोच्चार। लांघ के सिंधु जो आ गए लंका, ना उनको दुर्लभ कोई द्वार, ना उनको दुर्लभ कोई द्वार। हाथन से हथियारन से कई कारण से रहे यज्ञ बिगार। यज्ञ हुआ यह पूर्ण तो जानो, अजय हुआ लंकेश कुमार। यज्ञ हुआ यह पूर्ण तो जानो, अजय हुआ लंकेश कुमार। यज्ञ की अग्नि बुझाए बुझाए के पावन यज्ञ अशुद्ध करें, पावन यज्ञ अशुद्ध करें। यज्ञ को हेतु मिटावन हेतु निरंतर सैनिक युद्ध करें, निरंतर सैनिक युद्ध करें। साधक का
रक्षक का आराधक का पथ बाधक बन अवरुद्ध करें। आसन से नहीं डोले रथिंद्र उसे कितना ही क्रुद्ध करें। आसन से नहीं डोले रथिंद्र उसे कितना ही क्रुद्ध करें। ज्वल हं संगं छं पट स्वाहा कपिल सहित हनुमान विघ्न सृष्टि बहुविधि करें अविचल शैल समान मेघनाद रथ यज्ञ मेघनाथ की ललकार से लगता है कि हनुमान सुग्रीव और जामवंत जी उसके यज्ञ का ध्वंस करने में सफल हो गए हैं। अब मेघनाथ बाहर आएगा और अपने रथ पर बैठकर उस वटवृक्ष की ओर जाएगा। वटवृक्ष की ओर? हाँ, आप मेरे साथ आइए, हमें उसके पहले ही वहां पहुंच जाना चाहिए। लक्ष्मण भैया, मेघनाथ युद्ध में जाने से पहले एक बार यहाँ अवश्य आएगा। क्यों? वो यहाँ आकर भूतों की बलि देता है, उसके बाद ही युद्ध के लिए प्रवृत्त होता है। इसी तांत्रिक कर्म के प्रभाव से वो संग्राम भूमि में अपने शत्रुओं पर विजय पाकर उन्हें बंदी बना लेता है। आज उसे यह कर्म भी पूरा ना करने दीजिए। उसके आते ही उसे युद्ध में ललकार कर आप अपने तेजस्वी बाणों द्वारा उस महाबली राक्षस का संहार कीजिए। आता ही होगा। चलो। लक्ष्मण भैया, अपने बाणों का संधान करके सावधान रहिए। युद्ध के लिए ललकारता हूं, अपने अस्त्र उठाकर सावधान हो जाओ। अवश्य लक्ष्मण, तुम दो दिन से मेरे हाथों मरते मरते बच रहे हो, परंतु आज तुम यहां से जीवित लौट कर नहीं जाओगे। मैं तुमसे अवश्य युद्ध करूंगा, परंतु उससे पहले मुझे अपने देशद्रोही कुलद्रोही काका को प्रणाम कर लेने दो। भीषण काका, देशद्रोही और कुलद्रोही तो सुने थे, परंतु संतान द्रोही नहीं सुना था। आज तुमने वो पद भी प्राप्त कर लिया है। मैं तुम्हारे पुत्र तुल्य हूं, फिर भी मेरे गुप्त और मार्मिक स्थानों पर जहां लंका के साधारण वासी भी नहीं पहुंच सकते, आज तुम वहां शत्रु को ले आए हो। हाँ, मुझसे ऐसा द्रोह करके आज तुम संतान द्रोही कहलाने के अधिकारी भी हो गए हो। अरे हे राक्षस राजकुमार, तुम्हारा जन्म इसी माटी में हुआ। तुम इस देश के राजा के सगे भाई हो, फिर भी तुमने ना तो अपने कुटुंब के प्रति अपनापन, ना अपने आत्मजनों से स्नेह और ना ही अपनी जाति का अभिमान ही रह गया है। दुर्बुद्धे, स्वजनों का परित्याग करके दूसरों की दासता स्वीकार की है तुमने। अपने कुल की मर्यादा, देश की मर्यादा का हनन करने वाले द्रोही, धिक्कार है तुम पर। मेघनाथ,
तुमने स्वयं कभी बड़ों का सम्मान करना नहीं सीखा और दूसरों को मर्यादा का पाठ सिखाने जा रहे हो। मूर्ख, मैंने जो किया है अपने देश की जनता की भलाई के लिए किया है। तुम और तुम्हारे पिता सबको अधर्म की नाव पर बिठाकर मझधार में डुबोने जा रहे हो, परंतु मैं अपने देशवासियों को धर्म के मार्ग पर लाकर तुम्हारे पापों से उनकी रक्षा करना चाहता हूं। अधर्मी, अन्यायी, क्रूर और अत्याचारी राजा का परित्याग करना देशद्रोह नहीं कहलाता। जो धर्म से भ्रष्ट हो गया हो, जिसने पाप करने का दृढ़ निश्चय कर लिया हो, ऐसे व्यक्ति का त्याग करने से मनुष्य उसी प्रकार सुखी होता है जैसे हाथ पर बैठे हुए विषैले सांप को त्याग देने से प्राणी निर्भय हो जाता है। जो दूसरों का धन लूटता है, जो पराई स्त्री पर हाथ डालता है, उस दुरात्मा को जलते हुए मकान की भांति त्याग देने योग्य बताया गया है। परस्व हरणे युक्तम परदाराभिमर्शकम त्याज्य महादुरात्मानम वैशम प्रज्वलितम यथा। तुम्हारे पिता के इन्हीं पापों के कारण अब न ये लंकापुरी रहेगी, न तू रहेगा, न तेरा पिता रहेगा। इससे पहले तुम नहीं रहोगे, तुम लंका का कलंक हो। लंका की पवित्र धरती पर जीने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं, इसलिए मैं तुम्हें बाहर भेजता हूं जहां यमराज तुम्हें तुम्हारे पापों का दंड देंगे। करने से ये कब तक जीवित रहेगा? और फिर तुम ही कहां तक जीवित रहोगे? पहले तुम्हारा ही कल्याण कर दूं। को आ गए शक्ति पराक्रम बल कौशल टकरा गए। वीरों के तीरों से बादल छा गए, दिग दिगंत फिर एक बार थर्रा गए। शक्ति प्रहार जो अपने तन पे सह गया, मृत्यु निकट जाकर भी जीवित रह गया। सहज नहीं है उस योद्धा को मारना, किंतु नहीं वीरोचित हिम्मत हारना। जीते जीरण छोड़ के जाना वीरों का नहीं काम। महासंग्राम महासंग्राम संग्राम। बड़े गर्व से मेघना
लक्ष्मण पर ब्रह्मास्त्र चलाया, अति विनम्र होकर लक्ष्मण ने तब ब्रह्मास्त्र को शीश झुकाया। इंद्रजीत, तुम्हारे शीघ्र चले आने से हम समझ गए कि तुम्हारा यज्ञ संपूर्ण नहीं हुआ, उसमें कोई बाधा आ गई है। उसका बाधक आपका अनुज भ्राता कुलद्रोही विभीषण निकला, जो शत्रुओं मंदिर के गुप्त स्थान पर ले आया और यज्ञ विध्वंस करा दिया। विभीषण, विभीषण, फिर भी तुमने उस नीच देशद्रोही को जीवित छोड़ दिया। पिताश्री, मैंने उसी के लिए इतने दिनों से यम अस्त्र बचा कर रखा हुआ था, आज मैंने वही यम अस्त्र उस पर छोड़ दिया, परंतु लक्ष्मण ने एक ऐसी शक्ति चलाई जिसने मेरे अस्त्र को रास्ते में ही तेजहीन कर दिया। उसका तोड़ भी विभीषण ने ही बताया होगा। नहीं, उसका तोड़ देवताओं के सिवा इस धरती पर कोई नहीं जानता। तो क्या लक्ष्मण को देवताओं ने बता दिया? नहीं, उसे बताने की कोई आवश्यकता नहीं। लक्ष्मण देवताओं का देवता है, लक्ष्मण नर नहीं, कोई अवतार है। इंद्रजीत, इंद्रजीत, यह भाषा तुम बोल रहे हो या लक्ष्मण ने तुम पर कोई सम्मोहन अस्त्र चलाकर तुम्हारी मति को भ्रम में डाल दिया है, या लक्ष्मण के बाणों से पीड़ित होकर तुम युद्ध से भाग आए हो? क्षमा करे महाराज, परंतु मुझे कोई कायर कहे
इस बात को मैं सह नहीं सका। पिताश्री, मैं कायरतावश नहीं आया हूं, एक पुत्र की भांति अपना कर्तव्य निभाने आया हूं। आपका कल्याण हो, इस प्रयोजन से आपसे ये कहने आया हूं कि आप अपने आप को, आपके साथ वैभवशाली राक्षस जाति को और लंका देश की समृद्धि को सर्वनाश होने से बचा लें। अब भी समय है पिताश्री, आप सीता का मोह त्याग कर श्री राम की शरण में चले जाएं। वो मनुष्य नहीं है, स्वयं नारायण का अवतार है। तुम्हारी मति मारी गई है इंद्रजीत, जो इस प्रकार स्त्रियों की भांति अनर्गल प्रलाप करने लगे। यह वीरों की भाषा नहीं, तुमसे किसने कह दिया कि वह वनवासी छोकरे भगवान का अवतार है? मेरे अनुभव ने। आज मैंने लक्ष्मण पर उन तीनों अस्त्रों का प्रयोग किया जो अमोघ हैं, जिनकी शक्ति से बढ़कर तीनों लोकों में कोई अस्त्र नहीं, जिनका ना कोई तोड़ है। पहले मैंने ब्रह्मास्त्र चलाया, परंतु वो लक्ष्मण का वध करने से इनकार करके तेजहीन होकर लौट आया, क्योंकि कल एक समय जब लक्ष्मण मुझ पर ब्रह्मास्त्र चलाना चाहता था तो राम ने उसे नीति विरुद्ध कहकर रोक दिया था। आज ब्रह्मास्त्र ने मुझसे भी यही कहा था कि इस समय इसका प्रयोग नीति विरुद्ध है, इसके चलने से देवलोक, पाताल, पृथ्वी तीनों लोक में विनाश की ज्वाला भड़क उठेगी। परंतु यह सब अधर्म और अन्याय को विजय दिलवाने के लिए नहीं हो सकता, इसीलिए ब्रह्मास्त्र तेजहीन होकर लौट आया। फिर मैंने शिव का त्रिनेत्रधारी पाशुपात अस्त्र चलाया, परंतु वह लक्ष्मण को प्रणाम करके लुप्त हो गया। फिर मैंने भगवान नारायण का अमोघ चक्र, जो त्रिलोकी की अंतिम शक्ति है, उसे चलाया, परंतु नारायण चक्र लक्ष्मण की प्रदक्षिणा करके लौट आया। यह अंतिम प्रमाण था जिसे देखकर मुझे विश्वास हो गया कि यह नर नहीं, स्वयं नारायण का अवतार है। और तुम अपने पिता को यह प्रवचन देने आ गए कि हे पिता, जो तुमने तीनों लोकों में अपनी विजय का डंका बजाकर अखंड यश प्राप्त किया है, आज उस यश को धूल में मिलाकर दो वनवासी भिखारियों के चरणों में जाकर बैठ जाओ। इंद्रजीत, याद रखो, जो स्वयं अपने हाथों अपनी कीर्ति को धूल में मिला देता है, देवता भी उसका सम्मान नहीं करते। वह कहेंगे कि मृत्यु के डर से रावण ने हार स्वीकार कर ली। हाँ, उनकी शक्ति से तुम भयभीत लग रहे हो, तुम्हारा मन और शरीर दोनों थक गए हैं। जाओ, अपने महल में जाकर विश्राम करो। यह युद्ध रावण का है और रावण इसे अकेला ही लड़ लेगा। रावण का मार्ग स्थिर हो चुका है, उसे अपमान और अपयश का नया मार्ग मत दिखाओ इंद्रजीत। क्षमा करे पिताश्री, मैं आपके अपमान के लिए नहीं, केवल आपके कल्याण के लिए ही ये बात करने आया हूं। जहां तक मेरा संबंध है, मैंने युद्ध शुरू कर दिया है, अब यहां से भागकर भगवान की शरण में जाने से भी अपयश ही मिलता है, इसलिए मैं एक वीर की भांति भगवान के हाथों मरने जाऊंगा। जो पिता से विमुख होकर जाते हैं, भगवान भी उनका आदर नहीं करते। इस समय मेरा स्थान राजमहल में नहीं, केवल युद्ध भूमि में है। यदि राम मुझे तीनों लोकों का राज्य भी प्रदान कर दे, तो भी मैं युद्ध से भागे हुए कायर की संज्ञा लेकर जीवित नहीं रहना चाहता, क्योंकि मेरी आत्मा ही मेरा सम्मान नहीं करेगी तो दूसरे क्या करेंगे।
मुझे आशीर्वाद दीजिए कि यदि मेरी मृत्यु भी लिखी है तो मैं एक वीर की भांति अपनी आन के साथ इस प्रकार मरूं कि राम भी मेरी वीरता की प्रशंसा में नतमस्तक हो जाएं। यदि वो नारायण भी है तो वो भी मेरी विजय का ही रूप होगा। तुम्हारी जय हो इंद्रजीत। लक्ष्मण, आज का युद्ध तेरा मेरा अंतिम युद्ध होगा। आज या तू नहीं रहेगा या मैं नहीं रहूंगा, परंतु इतिहास इंद्रजीत को याद रखेगा कि युद्ध में यदि भगवान भी सामने आ गए तो इंद्रजीत ने कभी पीठ नहीं दिखाई, वैसा ही आक्रमण किया जैसा शत्रु पर करना चाहिए। श्री राम का अनन्य सेवक हूं तो तुम्हें श्री राम की ही आन है कि अब मेघनाथ का मस्तक काटकर ही वापस आना। लक्ष्मण, यदि तुझे श्री राम की आन है तो इंद्रजीत को अपने देश की आन है। इंद्रजीत के जीते जी इस देश पर शत्रु की विजय पताका कभी नहीं फैला सकती, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं।
जय। संग्राम बराबरी का नहीं है। श्री रघुनाथ नंगे पांव भूमि पर चल रहे हैं, जबकि रावण अपने दिग्विजयी अक्षय रथ पर सवार होकर युद्ध कर रहा है। ब्रह्मा और महादेव से प्राप्त शक्तियों के बल पर वो चारों ओर त्राही त्राही मचा रहा है। देवो, इसका कोई उपाय नहीं है? उपाय है। कल्याण हे इंद्र, आज ही रावण की मारकेश दशा है। इस समय श्री राम प्रभु की सहायता करने से सारे देवताओं के कार्य सिद्ध हो जाएंगे। तुम तुरंत अपना दिव्य रथ श्री राम प्रभु की सेवा में भेज दो। जो आज्ञा पितामह। मातली, आज्ञा देवराज। मातली, तुम इसी समय हमारे इस दिव्य स्वर्णिम रथ को लेकर सम्रांगण में श्री राम की सेवा में पहुंचो। उनसे कहना कि पितामह श्री ब्रह्मा के आदेश से इंद्र ने अपना रथ आपकी सेवा में भेजा है, जो रावण के साथ मायावी युद्ध के समय आपके लिए सहायक और उपयोगी होगा। जो आज्ञा। परम मनोहर दिव्य रथ सुरपति दियो पठाय, रथ को ले कर मातली रहो धरा पर। कुल तिलक, श्री रघुनाथ, श्री लक्ष्मण कुमार, आपके श्री चरणों में सारथी सेवाधारी मातली का प्रणाम। प्रणाम। प्रभु, मैं मातली नामधारी देवराज इंद्र का सारथी हूं। सुरेंद्र ने आपकी विजय की कामना से अपना दिव्य रथ आपकी सेवा में भेजा है, इसे स्वीकार करें प्रभु। परंतु हमने तो देवराज इंद्र से कोई सहायता नहीं मांगी। हे नाथ, देवराज ने यह रथ पितामह श्री ब्रह्मा जी की आज्ञा से भेजा है। देवराज ने कहा है कि रावण के साथ मायावी युद्ध में यह आपके लिए उपयोगी होगा। सावधान भैया, युद्ध क्षेत्र में अचानक किसी पर विश्वास निरापद नहीं। शत्रु विकट छल कपट करने में सिद्धास्त है। श्री लक्ष्मण कुमार की सतर्कता सराहनीय है,
आपके संदेह निवारणार्थ मैं इस रथ का विशिष्ट वर्णन सुनाता हूं जो केवल देवलोकवासियों को ही विदित है। हे रघुवंश मणि, त्रिपुरारी श्री ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित यह दिव्य रथ है। इसमें सातों कुलगिरियों का बल है। अष्ट महानाग, वासुकी, अनंत, दक्ष, शंखपाल, गुलकी, पद्य, महापद्य और कारकोटक इस रथ की रास की रस्सियों में अदृश्य विद्यमान है। नक्षत्रों रूपी रत्न से ये रथ अलंकृत है। इसमें इंद्र का महान धनुष, अग्नि समान तेजस्वी कवच, कल्याणमयी उज्ज्वल शक्ति वाले बाण है। ये आवश्यकता अनुसार घट और बढ़ सकता है, आपके बाणों की गति से चल सकता है। ये दिव्य रथ सागर की लहरों पर, अग्नि की शिखाओं पर निर्विघ्न दौड़ सकता है। सबसे बड़ा प्रमाण इस रथ में जुते दिव्य धवल अश्व हैं, जो अपने दिव्य अश्व होने का प्रमाण स्वयं देते हैं। प्रभु नमामि ब्रह्म देवाय पुंडरीकाक्षाय महेश्वराय। युद्ध क्षेत्र में इसका सदुपयोग करके इसे धन्य करें प्रभु। सुराधिपति ने आपकी सेवा का अवसर देकर मुझे धन्य कर दिया। संशय त्याग कर देवहित तथा पृथ्वी के कल्याण के लिए इसे स्वीकार करें करुणानिधान। प्रभु संकोच त्याग कर इसका सदुपयोग करें, इसी में सबका हित है, सबका कल्याण है। पितामह ब्रह्मा जी, देवराज सुरेंद्र एवं समस्त देवताओं को हमारा शत शत प्रणाम और सादर धन्यवाद। आदेश दें स्वामी। मातली, शत्रु कैसी भी अनीति का मार्ग अपनाए, तुम हमारे संकेत देखकर ही कार्य करना। हे पुरुषोत्तम, आपका अभिप्राय, अश्वों की गति, शत्रु की चाल, उसका फलाफल, हर बात पर विचार किए बिना यदि कुछ करूं तो मेरी सारथी विद्या व्यर्थ है। सारथी के लिए इन सब बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। आप निश्चिंत रहें प्रभु, शत्रु का कोई भी रथ इस रथ की गति का सामना नहीं कर सकेगा। अब हमारे रथ को युद्ध क्षेत्र के बीच में ले चलो। ऐसी आज्ञा प्रभु। जय श्री गणेश।
सहोदर, इस वनवासी के पास ऐसा रथ कहां से आया? यह अवश्य देवताओं का षड्यंत्र होगा। हाँ महाराज, इस रथ को मैं भलीभांति जानता हूँ। ये स्वयं देवराज इंद्र का रथ है। इंद्र का यह साहस कि हमारे विमुख होकर वह राम की सहायता करता है। इंद्र, राम से निपटने के पश्चात तुम्हारे साथ भी लेखा चुकाना पड़ेगा। नए नए रथ पर चढ़कर इतना क्यों इतरा रहे हो? रावण के सामने आए हो तो शीश झुका कराओ। तो इससे पहले यदि शीश झुका कर आ जाता तो कदापि तेरे बच जाने की संभावना हो सकती थी, परंतु अब तो तेरा शीश काटना ही अनिवार्य हो गया है। अरे तपस्वी, अभी तक जिन योद्धाओं को तुमने मारा है मैं उनके समान नहीं हूँ। मेरा नाम है रावण, तीनों लोग जिसका यशगान करते हैं, लोकपाल तक जिसके बंदी है। तुमने खरदूषण और विराट को मारा, बेचारे वाली का छुपकर वध किया, कुंभकर्ण और मेघनाथ को मारा। आज मुझे उन सबका प्रतिशोध लेना है। यदि तुम रणभूमि छोड़कर भाग न गए तो आज मैं उन सबका बैल निकालूंगा। ये मत भूलना कि आज रावण से सामना है। रावण से नीच निशाचर, असहाय स्त्रियों पर वीरता दिखाने वाले कायर, तो किस बात पर अपने को वीर कहता है? धर्म की मर्यादा भंग करने वाले पापी, तेरे समस्त पापों का दंड आज तुझे अवश्य मिलेगा। दंड देने का काम राजा का है, किसी भिखारी का नहीं। पहले प्रथम दंड, ये ले तेरा दंड। रावण राम करते हैं, अंतिम चरण में युद्ध रावण राम करते हैं। युद्धम 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 महायुद्धम। एक धर्म रथ पर बैठा, एक पाप रथ पर बैठा, दो महारथी दो महाबली संग्राम करते हैं। अंतिम चरण में युद्ध रावण राम करते हैं। देखो रावण का रथ बड़े वेग से आ रहा है, अतः सावधान हो जाओ और आगे बढ़ो। जिस प्रकार हवा उमड़े हुए बादलों को छिन्न भिन्न कर डालती है, उसी प्रकार मैं आज शत्रु के रथ का विध्वंस करना चाहता हूँ। भय तथा घबराहट छोड़कर मन और नेत्रों को स्थिर रखते हुए घोड़ों की बागडोर काबू में रखो और रथ को तेज चलाओ। अब मैं एकाग्र चित्त होकर युद्ध करना चाहता हूँ।
निष्फल हो रहे हैं। नहीं देवेंद्र, रघुवीर के बाण निष्फल नहीं हो रहे, ये तो रावण की आसुरिक माया है जिससे उसके शीश कट जाते हैं और जुड़कर पुनः सजीव उठते हैं। इस प्रकार रावण का संहार कैसे होगा? प्रभु हृदय को लक्ष्य करके बाण क्यों नहीं मारते? अवश्य ही हृदय में बाण लगते ही उसका संहार होगा। हे देवराज इंद्र, ये एक गूढ़ रहस्य है। श्री राम रावण के हृदय को लक्ष्य करके बाण नहीं चलाएंगे, क्योंकि श्री राम जानते हैं कि रावण के हृदय में निरंतर सीता का वास है। सीता के हृदय में स्वयं प्रभु श्री राम हर क्षण विराजमान रहते हैं, और प्रभु के उदर में तो 14 भुवन 7 खंड सृष्टि बसी है। इस अवस्था में यदि बाण मारेंगे तो रावण के साथ सीता, उसके साथ राम और राम के साथ समस्त ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। तो फिर रावण का अंत कभी नहीं होगा? होगा, बारंबार शीश पर प्रहार होगा। इस प्रकार सिरों के बार बार काटे जाने से वो व्याकुल हो जाएगा। इस प्रकार की व्याकुल अवस्था में उसके हृदय से सीता का ध्यान टूट जाएगा। यदि पल भर के लिए भी उसके अंतरपट से सीता की छवि हट जाएगी, उसी क्षण अंतर्यामी राम रावण के हृदय में बाण मारकर उसका अंत कर देंगे। ब्रह्मा जी के वरदान से दशानन की नाभि में अमृत है। कुंडलाकृति से युक्त अमृत तत्व का मूल है वो। उसके प्रभाव से एक शीश कटते ही दूसरा शीश उत्पन्न हो जाता है। प्रभु, आप पहले आग्नेय शस्त्र का उपयोग करके नाभि विवर के मूल का अमृत सुखा दीजिए, तभी उसका अंत हो सकेगा। विभीषण, जब तक तू जीवित रहेगा राक्षस जाति का विनाश होते ही रहेगा। Thank you.
इस राक्षस का वध करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कीजिए। देवताओं ने जो इसके विनाश का समय बताया था अब वो आ पहुंचा है प्रभु। आपकी जय जयकार कर रहे हैं कि रावण पर राम की विजय हुई। लक्ष्मण, यह विजय केवल राम की नहीं तुम सबकी है। तुम महाराज विभीषण, महाराज सुग्रीव, वीर हनुमान, अंगद, जामवंत, नल, नील और ये सारी वानर सेना, इन सब की सहायता से ही राम ये युद्ध जीत सका। ये जीत तुम सबकी है। प्रभु, अपने सेवकों की बड़ाई करना आपकी महानता है। अन्यथा तीनों लोकों में कोई ऐसा योद्धा नहीं है जो युद्ध में आपके सामने ठहर सके। रावण देवताओं से भी परास्त नहीं हो सकता था। आज आपने वो सिद्ध कर दिया जो सब कहते हैं कि आप कोई साधारण मानव नहीं है। प्रभु, आपको शत शत प्रणाम। धन्य है आप।